नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का इंतजार आप सभी को बेहद बेसब्री से रहता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। खासकर आप लोग ये जान पाते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे स्वस्थ बन सकते हैं, किस प्रकार से निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बेहद खास होने वाला है फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के अंदर बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो वे किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती, परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, किसी को बता नहीं पाती हैं। तो ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ऐसी महिलाओं के लिए जो तमाम प्रकार की समस्याओं को झेलती रहती हैं। अगर बात करें उनकी सेक्सुअल लाइफ की, तो उसको ठीक प्रकार से एंजॉय नहीं कर पाती हैं, खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं, अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझती रहती हैं। कभी कभी तो उनको सेक्स के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी को ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पेन हो जाता है, तो किसी को अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आज ऐसी ही महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की बहुत सारी जानकारियां वह प्राप्त करने वाली हैं, और ये सारी जानकारियां उन तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ यहां उपस्थित हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए आप और हम मिलकर वैद्य जी का स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपकी भी ऐसी कोई समस्याएं हैं, आप किसी से भी बात करने में हिचकिचाती हैं, घबराती हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मात्र एक कॉल के माध्यम से आप वैद्य जी के द्वारा खुद की ऐसी समस्याओं से निजात पा सकती हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, आज हम लोग बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जो किसी से भी बात करने से कतराती हैं, खासकर अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए आपके जो फार्मेसी है, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, उसमें किस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाया गया है? रश्मि जी, नर नारी के सुख को खांसी नहीं पहचान, क्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। जिस प्रकार ज्ञानी के सुख को अज्ञानी महसूस नहीं कर सकता, इसी प्रकार नर नारी के मिलन के सुख को खांसी यानी के नपुंसक महसूस नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि आज जो महिलाएं एक हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से प्रसिद्ध है, 1947 से लगातार इस्टेब्लिश्ड है, लगातार चल रही है, उसका एक बहुत ही चमत्कारिक प्रोडक्ट है कामनी मुंडन। ये कामनी मुंडन रस जो महिलाएं सेवन करती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उनकी जो गुप्त समस्याएं हैं, उनके निवारण के बाद वो कितना अच्छा महसूस करती हैं, वे ही समझ सकती हैं। यह कामनी मुंडन रस महिलाओं के लिए मैं कह सकता हूं कि कम से कम किसी चमत्कार से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, इसलिए मैं भी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि कामिनी मुंडन रस एक ऐसी दवाई जिसके सेवन के बाद महिलाओं की सारी जितनी भी गुप्त प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनसे वे निजात पा लेती हैं। चाहे उनके हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर उनके शरीर के अंदर कोई ऐसी समस्या है जो वे किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रही हैं, वह अपनी सेक्शुअल लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रही हैं, या फिर उनको उनके मासिक धर्म से लेकर कोई भी समस्या है, तो आप ज़रूर संपर्क कर सकती हैं। खासकर कामिनी मुंडन रस को मंगवाने के लिए आप लोग नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही Amazon, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स के माध्यम से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो घबराने और निराश होने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जल्द से जल्द कॉल करें और इस दवाई को मंगवा लें, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आज से नहीं 1947 से कार्यरत है, और सभी के लिए यहाँ पर हर प्रकार की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं वैद्य जी के द्वारा, जिनके इस्तेमाल के बाद आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है। तो वैद्य जी, हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। मैम, मेरा नाम कोमल है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बुलंदशहर से बात कर रही हूँ। जी वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है? वैद्य जी, मेरे को मेरे जो पीरियड्स हैं वो ऊपर नीचे आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं जी, जिसकी वजह से कभी कभी मेरे को ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है जी। जो पीरियड्स आपको होते हैं उसमें
हाँ बोले बोले। हाँ जी, तो उसकी वजह से बहुत परेशान भी रहती हूँ, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और वीकनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है जी। कभी आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया? नहीं। अच्छा, पीरियड्स में पीसेस तो नहीं आते? जी, आपके पीरियड्स में पीसेस तो नहीं आते? कभी कभी आते हैं। ठीक, और आपको बहुत वाइट डिस्चार्ज तो नहीं होता? वाइट डिस्चार्ज नहीं होता। वैसे कमर में या पैरों में दर्द? हाँ, कमर में दर्द होता है। और पेशाब में कभी जलन? जलन कभी बीच में अभी हुई थी मेरे को, फिर ठीक हो गई थी। ठीक कोमल जी, बहुत अच्छा होगा कि आप कामनी मुंडन रस दो दो गोली नियमित रूप से इसको सेवन करें। आपको पीसीओडी की दिक्कत हो, पीसीओएस की दिक्कत हो, या गायनिक पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो, हर प्रकार की बीमारी से आपको बचाने के लिए ये आपका बहुत अच्छा रहेगा कि आप दो दो गोली कामनी मुंडन रस की सेवन करते रहें। और यदि आपका थायराइड की कोई समस्या है, आप अपना थायराइड ग्लैंड चेक करा लें तो उसका ट्रीटमेंट साथ में चलेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको मासिक संबंधी जो समस्या आ रही है उससे इसके सेवन से निश्चित रूप से निजात मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनकी समस्या का निवारण इनको दिया। और मैं भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, यदि आप भी ऐसी समस्या से जूझ रही हैं तो कामुनी मुंडन रस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार इलाज करवा रहे होते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन उनकी समस्या का निवारण उनको नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार की गई कामुनी मुंडन रस का सेवन कर सकती हैं और स्वस्थ हो सकती हैं। इसको मंगाना बेहद आसान है, आप घर बैठे Amazon, इंडिया मार्ट और e-commerce के माध्यम से इसको ऑर्डर कर सकती हैं और पेमेंट करना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, आजकल देखा जाता है कि महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है, या तो उनको मासिक धर्म में समस्या आती है या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे में ये दवाई किस प्रकार से कारगर है? रश्मि जी, अगर किसी महिला के एक्स ठीक समय पर नहीं बनते, या उनका साइज प्रॉपर नहीं है, या सही समय पर रैप्चर नहीं होते, उनके लिए यह कामनी मुंडन रस किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अपनी लाइफ में कम 50,000 महिलाओं की इस समस्या से निजात दिला चुका हूँ, और इसके सेवन से गायनिक पार्ट की जितनी भी समस्याएं उनका तो समाधान मिलता ही है, शरीर में नई एनर्जी इनको मिलती है। और कामनी मुंडन रस यदि कोई महिला लगातार सेवन करती रहे तो किसी भी प्रकार की उसको कोई गायनिक ट्रबल नहीं सताएगी। और फैलोपियन ट्यूब बहुत थोड़ी मात्रा में यदि चोक हो रही हो तो इसके लगातार सेवन से खुलने लगती है। ऐसा मैंने बहुत महिलाओं में देखा कि जो महिला इसको निरंतर सेवन करती रही उनको कंसीव भी हुआ और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये तो ज़रूर हमारी महिलाओं को खरीदनी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाओं की ऐसी समस्याएं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं आसानी से। लेकिन आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कि 1947 से सभी की समस्याओं को देखते हुए दवाइयों को तैयार करती है, और ख़ासकर जितनी भी जड़ी बूटियां आप इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं हिमालय से लाई हुई होती हैं, जिनका निरीक्षण आप खुद करते हैं, ये तो बेहद ही खास बात है। इसके साथ ही माँ गंगा के प्राकृतिक जल से इनको धोया जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी शक्ति कह सकते हैं और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास भी एक अलग ही तरीके की चीज़ है जो कि लोगों की निराशा को आशा में बदल देती है। तो वैद्य जी, हम बात कर रहे थे महिलाओं के हार्मोन जो है वो असंतुलित हो जाएं, तो ये दवाई उनके लिए कैसे लाभकारी है? रश्मि जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने हार्मोन्स असंतुलन होने का, और मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ, काफी पेशेंट ठीक भी हुए, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब तक हमारा कारण ठीक नहीं होगा निवारण नहीं होगा। आप खाने पीने में पुरानी पद्धति की ओर जब तक नहीं आएंगे दिक्कतें रहेंगी, जंक फूड हमको छोड़ना पड़ेगा, खटाई हमको कम से कम सेवन करनी पड़ेगी। यदि हमको जंक फूड, तले पदार्थ इत्यादि का सेवन करना है तो हमको कम से कम आधा से एक घंटा फिजिकल वर्क एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और हमको अपने भोजन में रागी का आटा है, मक्का है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, इनका प्रयोग नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा मात्रा में करना चाहिए। पहले लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन जब से पतला आया तब से बहुत दिक्कत हो गई। और इस कामनी मुंडन रस के अंदर, इसका मैं आपको फार्मूला भी बता रहा हूँ,
इसके अंदर कुछ दवाइयाँ कम से कम मैं कह सकता हूँ किसी चमत्कार से कम नहीं है। कजली यानी कि गंधक और पारा, ये त्रिदोष नाशक है। हमारे शरीर तीन दोषों से बिगड़ करके ही परेशान होता है, वात पित्त और कफ। कजली के सेवन से हमारा त्रिदोष वात पित्त कफ दोनों तीनों बैलेंस होते हैं। अवरक भस्म जिसको माइका भी कहते हैं, ये हमारे आयुर्वेदिक की बहुत अच्छी एंटीबायोटिक दवा है। ये रसायन भी है और द्रव्य भी है। तीसरा लौह भस्म हमारे शरीर को एनर्जी देता है और हमारे शरीर के अंदर आयरन की जो कमी होती है उसको दूर करता है, महावारी को ठीक करता है और महावारी के बाद जो कमजोरी आने लगती है कमजोरी को भी दूर करने में बहुत सहायक है। और पुराने लोग तीन धातु बड़ी प्रधान होती थी, स्वर्ण, रजत और तांबा, और तांबे के जो बर्तन में पानी इस्तेमाल करते हैं उनको कम से कम पेट की कोई समस्या नहीं सताती। और ताम्र के भस्म से निर्दोष होनी चाहिए, उसमें हैवी मेटल से यदि ये कच्ची रह जाए तो बड़ा नुकसान देती है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमको इसको बहुत संभाल के यूज़ करनी चाहिए। ताम्र भस्म पेट के लिए अति उत्तक है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। एलवा जिसको घी कुआर का सत भी कहते हैं, इसको मुसब्बर भी कहते हैं, इसमें एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट इन्फ्लामेशन के बहुत अच्छे गुण हैं, एंटी इन्फ्लामेशन गुण हैं। सौंठ हीलर है। काली मिर्च मेटाबॉलिज्म सिस्टम करने के लिए बहुत उत्तम घटक है। पीपली बहुत ही दुष्ट रोगों को दूर करने के लिए हम वर्धमान पीपली का प्रयोग करते हैं और पीपली यूट्रस को प्योरीफाई करता है। इसी प्रकार कंकोल मिर्च जिसको शीतल मिर्च भी कहते हैं, यह मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत उत्तम है। बहेड़ा जिसको विभिदक भी कहते हैं, ये हमारी पेट की अग्नि के लिए मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए बहुत उत्तम है। और बहेड़ा अभी मैंने बताया ही, हरड़ स्ट्रॉन्ग एंटी एजेंट इसमें गुण होते हैं, और आंवला जो लेडीज़ के अंदर खास तौर से हार्मोन्स होते हैं FSH और LH, इनको ये बैलेंस करता है, विटामिन सी से भरपूर है। और मैंने जो हरड़ बहेड़ा आंवला का बताया इसको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला त्रिफला करे सबका भला, पाचन शक्ति के लिए अमृत तुल्य है। चित्रक मूल पाचन तंत्र को बहुत अच्छा ही बनाता है, भूख बढ़ाता है। इसी प्रकार गुगलू गुगुल रेजिन है, सोथ यानी कि सूजन को कम करता है, हमारी बॉडी के जो ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो उनको भी बैलेंस करता है। और जो इसका मुख्य घटक है शिलाजीत, ये यूट्रस के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और आयुर्वेद में कहा भी है, नैसो अस्ति रोगी भ्रुवि साध्य रूप शिला यन यन जयते प्रसन्न, यानी कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो शिलाजीत के सेवन से नष्ट ना हो। शर्त इतनी है कि इसको हमको विधि पूर्वक नियम पूर्वक सेवन करनी चाहिए। और कुटकी, कुटकी लीवर के लिए बहुत अमृत तुल्य है, किसी भी प्रकार की लीवर में सूजन हो, हेपेटाइटिस हो, कोई इन्फेक्शन हो, उसको यह दूर करता है। और छोटी कटहली आयुर्वेद में एक औषधि है लक्ष्मणा, जिसका प्रतिनिधि भी ये छोटी कटहली है। जो महिलाएं बांझ हो गई हों, जिनको बच्चा ना होता हो, उनके लिए यह बहुत अमृत तुल्य है। और यह पेशाब तंत्र को तो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करती है, मजबूत करती है, साथ ही साथ हमारे अंडे को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो मैं इतना कह सकता हूँ, इतने घटक होने के बाद यह कामनी मुंडन किसी चमत्कार या अमृत से कम नहीं है। यदि इसको कोई महिला नियमित रूप से सेवन करती रहे तो उसको कम से कम गायनिक पार्ट की कोई समस्या नहीं सताएगी। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आपको भी ऐसी समस्या है, कोई महिला ऐसी समस्या का सामना कर रही है, अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही है, चरम सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रही है, या फिर किसी प्रकार के कोई गुप्त रोग हैं उनको, तो उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वह भी नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं और वैद्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का यूज करके खुद को स्वस्थ कर सकती हैं और समस्याओं से निजात पा सकती हैं। इसी के साथ
ही सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप लोग YouTube, Instagram, Twitter और LinkedIn पर जाकर अभी फॉलो कर लें और सारी जानकारियां प्राप्त कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दर्शकों, आप तक विस्तार पूर्वक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जिन माता बहनों ने और मेरी सहेलियों ने इस दवाई का इस्तेमाल किया है, कामुनी मुंडन रस का उपयोग किया है, आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्ते, मेरा नाम सीमा कपूर है, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। मेरे को शादी को आज 6 साल हो चुके हैं। अचानक से शादी के 5-6 महीने बाद ही मेरी कामेच्छा जो है वो ख़त्म हो गई थी और मेरा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, जिसका असर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में होने लगा था। और जब भी हम हस्बैंड वाइफ साथ में होते थे तो इसी बात को लेकर हम लोगों के लिए झगड़े होते थे। पूरे परिवार को इस चीज़ का पता लग गया था और नौबत ये आ गई थी कि हम लोगों के सामने तलाक के पेपर थे। फिर एक दिन मेरे रिलेटिव से मुझे आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का पता मिला। मैं वैद्य दीपक कुमार जी से मिलने उनके क्लिनिक आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार आई। तब वैद्य जी ने मुझे कामनी मुंडन रस की टैबलेट सेवन करने को दी, जिसका सेवन मैंने लगातार 5-6 महीने तक किया। इसको सेवन करने से आज मेरी डूबती जो जीवन की नैया है वो एक किनारे लग चुकी है, यानी कि हम दोनों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार आ गया है और जो भी कमियाँ थी वो सब दूर हो गई है, जिसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप सबने कि किस तरीके से इन महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं रहती थी और इन समस्याओं से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि इन्होंने जब इस कामिनी मुंडन रस का सेवन किया तो खुद को स्वस्थ पाया। तो आप भी इसका सेवन कर सकती हैं, कर क्या सकती हैं, आपको इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, बहुत सारे टेस्ट करवा लेती हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करती हैं या फिर अपनी समस्या को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं, तो ये कार्यक्रम ऐसी ही महिलाओं के लिए है। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही कामिनी मुंडन रस आप घर बैठे मंगवा सकती हैं, यह आपको अमेजन, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो, जिसकी सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और पेमेंट भी आप घर बैठे बहुत आसानी से कर सकती हैं, जिसके अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अलग अलग प्रकार से आप पेमेंट कर सकती हैं। और अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, बहुत सारी महिलाओं के अंदर अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं, तो उनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर कहें कि उनकी योनि में सूखापन हो जाता है या जलन होने लगती है, तो इसके लिए ये कामुनी मुंडन किस प्रकार से लाभकारी है और ऐसी समस्याएँ महिलाओं को क्यों होती हैं? रश्मि जी, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, हर समय गीलापन जरूरी है, लेकिन कभी कभी वह लुब्रिकेशन कम होने लगता है जो कि अननेचुरल है। और हमारे शरीर की चेन को खोलने के लिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक प्रभाव दिखाने के लिए एक सबसे प्रसिद्ध दवा है शिलाजीत, और शिलाजीत के सेवन से हमारी बॉडी की स्रोत सारे खुलते हैं, चैनल्स खुलते हैं और हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और शिलाजीत इस दवा का एक मुख्य घटक है। और इसके लिए मैं इतना कहूँगा, कामनी मुंडन प्राप्त हो मात्रा गोली 3, योनि आर्द्रता नष्ट हो कुसुमा सव में लीन। यदि हम कामनी मुंडन रस की 3 गोली शहद के साथ सेवन करते रहें तो योनि का सूखापन दूर होता है और हमारे हार्मोन्स तो बैलेंस होते ही हैं, और योनिच्छा या कामेच्छा या यौन संबंधित कोई भी समस्या है उसका भी निवारण इसके सेवन से होता है। और मैं अक्सर एक बात और कहता हूँ कि हमको इन दवाओं के साथ ये भी सोचना चाहिए कि बीमारी किस कारण से बन रही है, उनका भी निवारण करना चाहिए। आज के समय में बहुत सी महिलाएं लैपटॉप गोदी में लेकर या बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करके या खटाई तले पदार्थ जंक फूड का सेवन करती हैं या भोजन समय पर नहीं सेवन करती या पानी का बहुत कम प्रयोग करती हैं, अक्सर उनको इस प्रकार की दिक्कत तेजी से सताने लगती है। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हर बीमारी का निवारण है, हम हर बीमारी का निवारण करते हैं, आप हमारे पास फ़ोन करें। पूरा संसार अब एक छोटे से मोबाइल में सोशल मीडिया के द्वारा समाहित हो गया, आप कहीं भी पूरे संसार में हो, अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल या वैसे भी कॉल कर सकते हैं और उसका निवारण पा सकते हैं।
लेकिन खाली बीमारी की हम दवाई लेते रहें उससे तभी फायदा मिलता है जब तक हम उस कारण का निवारण ना करें। तो मैं सबको कहता हूँ कि किसी भी दवा का यदि प्रयोग करना हो तो अपने डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक से जरूर परामर्श करना चाहिए। इसके सेवन से हर प्रकार के हमारे हार्मोन्स तो बैलेंस होते ही हैं, जैसे आपने कहा संभोग के दौरान दर्द होना या सूखापन होना, निश्चित रूप से वह भी दूर होता है। तो मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, अपनी बहनों को बताना चाहूंगी कि आप भी कामिनी मुंडन रस, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया है आप सभी के लिए, ताकि आपकी ऐसी समस्याएं दूर हो सके, आप भी इसको मंगवा सकती हैं, इसका सेवन कर सकती हैं। यदि आपको सेक्शुअल लाइफ को लेकर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम है, PCOD की समस्या है, या फिर आपका सेक्स के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, आपको अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, या फिर आपको सेक्स के दौरान ईचिंग होती है, रैशेज हो जाते हैं, या सूजन हो जाती है, या आपको दर्द का सामना करना पड़ता है, तो आप जरूर कामिनी मुंडन रस का उपयोग कर सकती हैं और ऐसी समस्याओं से निजात पा सकती हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैद्य जी से बात करने के लिए या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से वैद्य जी से सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप कॉल कर सकती हैं, अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। इसके साथ ही कामिनी मुंडन रस आप घर बैठे प्राप्त कर सकती हैं Amazon, इंडिया मार्ट और e-commerce के माध्यम से। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं में समय के साथ साथ सेक्स के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनकी इच्छा शक्ति या फिर कहें इच्छा समाप्त होती हुई नजर आती है, तो इसका कारण या फिर ऐसी इच्छा कम होने के कारण क्या कोई बीमारी का संकेत भी हो सकता है? रश्मि जी, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, हमारा घर, परिवार, समाज, देश लेडीज़ के कारण जिंदा है, और अक्सर लेडीज़ अपने परिवार पे इतना डिवोटेड होती हैं, उतना ध्यान रखती हैं, अक्सर अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देती हैं, और कई बार डिलीवरी के बाद या वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख मारने पर, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करने पर उनमें वज़न बहुत बढ़ जाता है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, वज़न बढ़ना हुआ, थायराइड की समस्या हुई, पूरे दिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई, काम करने की इच्छा बिल्कुल कम हो जाती है इस कारण, या कभी कभी हम बहुत ज़्यादा आराम नहीं कर पाते, हमारे भोजन के अंदर पौष्टिक तत्वों का अभाव होने लगे, तब इस प्रकार की दिक्कत होने लगती है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पूरे दिन में यदि हम जितनी शक्ति को हम वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं, यदि वह शक्ति हम प्राप्त ना कर सकें तो अक्सर हमको कमजोरी आने लगती है। जब पूरे दिन महिलाएँ काम करती हैं और उसके बाद रात को बहुत बुरी तरह थक जाती हैं, तब इस प्रकार की दिक्कत होती है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि जो हमारे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उसके मुख्य तीन स्तंभ हैं। एक, आपसी विश्वास, दूसरा, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, और तीसरा, सेक्स। जब इनमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने लगती है, तब अक्सर यह बीमारी, काम इच्छा की कमी होना, डेवलप होती है। बहुत सी महिलाओं के जो पुरुष हैं बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, तब भी धीरे धीरे सेक्स से मन हटने लगता है। और अक्सर कुछ महिलाओं के लिए सेक्स बहुत ज़्यादा बुरा सपना महसूस होता है, सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, और सिर्फ डिस्चार्ज को ही हम सेक्स नहीं मानते, जब तक दोनों पक्ष प्रॉपर रूप से डिस्चार्ज ना हो तब तक सेक्स का आनंद नहीं होता। आदमी सेक्स करे और डिस्चार्ज हो, अलग हो जाए, औरत की भावनाओं को ना समझे, तब भी धीरे धीरे सेक्स से मन हटने लगता है। तो हमको उस कारण को सोचना चाहिए, निवारण करना चाहिए जिस कारण से यह दिक्कत बनती है। बहुत सी महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भी वह अपने आप को अशक्त महसूस करती हैं। तो हमको हर चीज़ बैलेंस करके ही चलना चाहिए, तभी हम जिंदगी के सुख का आनंद ले सकते हैं। तो वैद्य जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और ये हर एक व्यक्ति जानता है कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 1947 से कार्यरत है, और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और खुद को यहाँ से दवाइयाँ मंगवा कर आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये समस्या बहुत समय से थी और उन्होंने रत्न गर्भा का इस्तेमाल किया और अभी तक कर भी रही हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रत्न गर्भा होते हुए भी आपने ये कामिनी मुंडन रस क्यों इंट्रोड्यूस किया? रश्मि जी, रत्न गर्भा
हमारे बाबा जी द्वारा निर्मित है इसका फार्मूला। पहले समय में लड़कियां पैदल स्कूल जाती थी, बहुत खट्टा तला भुना जंक फूड का प्रयोग बिल्कुल नहीं था और सिंपल सादा जीवन था, तब रतन गरबा बहुत अच्छा कार्य करती थी। आज भी रतन गरबा बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन एक्स्ट्रा जब ये दिक्कतें हुई, खट्टा तला भुना जंक फूड, बहुत ज़्यादा तनाव, कंप्यूटर लैपटॉप का बहुत प्रयोग होने लगा, तो उनके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस प्लस PCOD इत्यादि की बहुत समस्याएं तेज़ी से डेवलप हुई। उसके निवारण के लिए मैं कह सकता हूं कि कामनी मुंडन रस यदि हम रतन गरबा के साथ भी सेवन करें या इंडिविजुअल इसको यूज़ करते रहें तो इसका चमत्कार के रूप में हमको लाभ मिलता है। तो वैद्य जी, समय आ चला है कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपका चमत्कारी दोहा। रश्मि जी, हितकर वटी कामनी मुंडन, हिम शंबर उपयोग, विप्रलोप होता त्वरित विविध योनिगत रोग। यानी कि यदि कोई महिला कामनी मुंडन रस शीतल जल के साथ सेवन करती रहे तो उसके योनिगत समस्त रोग नष्ट होते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को आज ये बताया कि ये कामनी मुंडन रस जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपके द्वारा तैयार किया गया है, इसके सेवन के बाद महिलाएं किस प्रकार से अपने गुप्त रोगों से निजात पा सकती हैं, खुद को स्वस्थ कर सकती हैं और अपनी समस्याएँ जो हैं आपके साथ बेझिझक होकर शेयर कर सकती हैं। फिलहाल आपने जितनी भी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, लेकिन समय का अभाव है तो हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप आए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ उनको दी और बहुत से लोगों की समस्या का निवारण भी किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि आप भी यदि अस्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैद्य जी से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यदि आप लोग कामिनी मुंडन रस मंगवाना चाहते हैं, इसका सेवन करना चाहते हैं और करना ही चाहिए, ऐसी समस्याओं से आजकल हर एक महिला हर एक लड़की जूझ रही है, PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाओं को सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो आती हैं, तो आप इसका सेवन अवश्य करें, खुद को स्वस्थ करें, ऐसी परेशानी से जरूर निजात पाएं। आप घर बैठे इसको मंगवा सकती हैं Amazon, IndiaMart और e-commerce के माध्यम से, Google Pay, Phone Pay, Paytm के माध्यम से पेमेंट कर सकती हैं और घर बैठे इसको प्राप्त कर सकती हैं। अन्य समस्याओं के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। और बाकी के दर्शक, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के YouTube, Instagram, Facebook और LinkedIn पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहां रुकना होगा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा, नमस्कार।